नवादा जिले के मिर्जापुर निवासी दीपक कुमार लगातार कोरोना काल में विकलांगों, बेसहारा एवं गरीबों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही उनके इस काम में उनका पूरा परिवार भी सहयोग कर रहा। भोजन तैयार होने के बाद सभी मिलकर पैकिंग करते हैं, उसके बाद दीपक कुमार रेलवे स्टेशन पर आकर प्रत्येक लोगों को खाना देते हैं। बता दें कि दीपक कुमार रोटी बैंक भी चलाते हैं और लगातार 4 वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं। लगातार मैं रोटी बैंक चला रहा हूं और मेरा उद्देश्य एक ही है कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, कोई भी लाचार गरीब भूखा पेट ना सोए। और इसी को उद्देश्य को देखते हुए मैं 2018 से ये रोटी बैंक नवादा में शुरू किया है और लगातार ये रोटी बैंक नवादा के जरिए मैं लगातार लोगों को खाना खिला रहा हूँ। रोड पर सोने वाले लोग, स्टेशन पर सोने वाले लोग, रोड पर फुटपाथ पर सोने वाले लोग, गरीब बेसहारे लोग, ऐसे लोगों को मैं खाना खिलाता हूँ। और अभी कोरोना काल में मैं नंबर भी जारी किया हूँ, सोशल मीडिया पे दिया हूँ कि कोई भी कहीं किन्हीं को ज़रूरत खाना का महसूस हो तो मुझे कॉल करें, मैं उनके घर तक भी खाना पहुँचाऊँगा और पहुँचा भी रहा हूँ। जहाँ से भी कॉल आ रहा है अभी मैं खाना पहुँचा रहा हूँ। आपके साथ कौन कौन है सहयोग करना? अभी तो मेरे साथ हम जो है कि हमारे पंकज जी हैं, उमेश जी हैं, रजनीकांत पांडे जी हैं। और अभी कोरोना को लेकर के जो है कि सभी दोस्त जो भी हमारे टीम में हैं अभी अपने अपने घर में हैं, लेकिन अभी हमारे परिवार के लोग जो हैं कि इस कोरोना में पूरे परिवार जो है कि शामिल होकर के खाना बना रहे हैं और लोगों के बीच खाना बांट रहे हैं। नवादा से रामजी प्रसाद के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live India।